नमस्कार दोस्तों, मार्केट जैसा रसीला और कुरकुरा जलेबी जो कि एकदम रस से भरा हो उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। पहली बार में ही आप बना लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन नया नया रेसिपी देखने के लिए। दोस्तों चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये 300 ग्राम चीनी है दोस्तों, इसमें 200 ग्राम के लमसम हम पानी डालेंगे और इसको हम बस चिपचिपा वाला चाशनी बना लेंगे। एक तार से हल्का सा पहले वाला, जैसे कि ज़्यादा चिपचिपा होना चाहिए तब जाके आपका चाशनी अच्छा होगा। इसमें डालें थोड़ा सा फूड कलर दोस्तों और इसमें इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। 3 से 4 मिनट इसको लगातार चलाते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि नीचे से तल पकड़े नहीं। जब ये खोलने लगेगा तो मीडियम करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा, खोलने लगेगा तो सिम आँच पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये बढ़िया सा चिपचिपा वाला देखिए ये बुझबुझा होने लगा है। इस पे नींबू का रस भी आप लोग डाल सकते हैं, ना चाहे तो ना डालें। तो ऐसे ही देखिए तो ये गाढ़ा होने लगा है, इसका मतलब कि चाशनी अब बन के तैयार होने वाला है। ये 100 ग्राम मैदा है दोस्तों, मैं कुछ अलग बना रही हूँ। 4 चम्मच दही है, इससे बहुत अच्छा आपका जलेबी बन के आएगा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और ये 2 चम्मच देसी घी है दोस्तों, जो कि मैं पहले से मेल्ट कर ली हूँ। 1/2 गिलास पानी डाल के देखिए ये चाशनी हो गया, चिपचिपा वाला चाशनी बन के तैयार है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें हल्का सा और पानी में डाल के तब जाके इसको मैं अच्छे से बना लूँगी ताकि ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तब जाके आपका जलेबी अच्छा बनेगा। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे, तब जाके पैकिंग पैक में इसको हम फिल करेंगे। जिस तरीके से आप दूध की थैली में भी बना सकते हैं, बहुत लोग हलवाई भाई लोग कपड़ा का सिल के रखते हैं, तो हम ये मेरे पास है केक बनाने वाला पाइपिंग बैग, इसमें मैं डाल दे रही हूँ, सभी बैटर को डाल दूंगी। बड़ा सा है इसलिए ये बैटर जल्दी से इसमें आ जाता है, बाकी का जो बचा है इसको खड़ा करके इसमें हम डाल लेंगे। हाई फ्लेम पे मेरा पैन है, उसमें हम डाले हैं फॉर्चून ऑयल दोस्तों, ये गर्म हो चुका है। जब भी जलेबी को शेप देना शुरू करें, तलना शुरू करें तो एकदम मीडियम फ्लेम कर दें, मीडियम टू लो, इसलिए कि ताकि खूब हाई पे तलेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा अंदर से कच्चा रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही तेल गरम है, एक एक करके देखिए ऐसे हम जलेबी निकाल लेंगे। जलेबी मोटा पतला जैसा बनाना हो वैसा कोन आप लोग काटें, तो मैं ज़्यादा ना मोटा ज़्यादा ना पतला एकदम मीडियम साइज़ का मैं जलेबी बना के देखिए कितना बढ़िया फूलते जा रहा है। इसमें अच्छा से हर चीज़ परफेक्ट मात्रा में पड़ा है, इसलिए ये पहली बार में कोई बना लेगा, बहुत ईजी होता है जलेबी बनाना दोस्तों। ऐसे ही करके हम निकाल लेंगे एक एक करके, जगह कम था तो इसीलिए थोड़ा सा उसको हम घुमा नहीं पाए हैं, इसलिए वो छोटा हो गया है दोस्तों एक जलेबी। ये जब क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको हम गुनगुना चाशनी में डाल देंगे। कभी भी जलेबी गुनगुना चाशनी में डालें ताकि अंदर तक आपका रस घुसे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। तो ये देखिए तो ये क्रिस्पी हो गया, इसमें कोई फूड कलर नहीं पड़ा है जलेबी में, सिर्फ चाशनी में पड़ा है। तो इसको हम पलट पलट के इसको हम कर लेंगे, 1 से 1 मिनट में ही ये इसमें रस घुस के अच्छे से बराबर हो जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे या फिर दूसरा प्रोसेस सेम ऐसे ही कर लेंगे जैसे बनाते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही एकदम आसानी से, जब बैटर अच्छा बनता है जलेबी का ना तो जलेबी बनाने में मज़ा आता है, मन खुश होता है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है, वो घूमते जाता है बनते जाता है, शेप आते जाता है। कोई भी जलेबी बना लेगा अगर बैटर अच्छा रहेगा तो, अगर बैटर नहीं अच्छा है तो आप जलेबी नहीं घूमेगा, वो रुक रुक जाएगा और बीच में वो होगा। इसीलिए जलेबी का बैटर में लेंथ वगैरह नहीं रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए ताकि अच्छा से आप बना सके। तो ऐसे ही करके, तो ये मेरा पैन छोटा है तब भी इसमें 5 से 6 जलेबियाँ आ जाती है दोस्तों मीडियम साइज़ का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके ये क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर इसको हम पलट देंगे, आप फिर इधर से भी क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको हम चाशनी में डाल देंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए एक एक करके मैं सभी जलेबी को आप लोग को सामने दिखा रही हूँ, जूस में डला हुआ चाशनी में, ये लबालब चाशनी से भरा हुआ सुपर टेस्टी जलेबी बनके तैयार है। तो आप लोग भी बनाइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग अपने घर में क्रिस्पी और टेस्टी जलेबी बना सके दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाई थी उस समय आप लोगों को, कितना रसीला था, कितना रस से भरा हुआ था। तो ये आपको फिर से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। देखिए एक एक जलेबी में रस भरा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए फिर दूसरा वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।